हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नाइन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है द फिफ्थ एट्थ एंड इलेवंथ टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या कहा है कि किसी जीपी सीरीज की फिफ्थ एट्थ और इलेवंथ टर्म जो है वो पी क्यू एस है रिस्पेक्टिवली सो दैट क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी एस तो हमें ये प्रूव करना है क्यू स्केयर इक्वल टू पी एस के इक्वल होगा ठीक है कैसे करेंगे सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है फिफ्थ टर्म जो हमें गिवन है वो क्या है पी एथ टर्म जो है हमारी वो क्या गिवन है हमें क्यों और हमें इलेवेंथ टर्म जो गीवन है वो हमें गीवन है एस क्लियर यहां तक अब बात करते हैं यहां पे ध्यान ये देना है आपको क्वेश्चन के अंदर जीपी जीवन है या एपी जीवन है अब यहां पे जीपी जीवन है तो हमें क्या करना है जीपी का फॉर्मूला यूज करना है क्या होता है हमारा जीपी का फॉर्मूला देखो अब फिफ्थ टर्म के लिए हमें कैसे लिखेंगे ए फाइव जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन फिफ्थ टर्म का क्या हो जाएगा ए फाइव इज इक्वल टू ए आर की पावर फाइव माइनस वन यहां पर क्या आ गया ए फाइव कितना है हमें पी तो पी इज इक्वल टू ए आर की पावर फोर इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है ये यह दिक्कत यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब हमें एट्थ टर्म क्यों गिवन है तो ए एट क्या हो जाएगा वो देखो ए आर की पावर एट माइनस वन हो जाएगा तो ए एट कितना गिवन है हमें क्यों तो क्यों इज इक्वल टू ए आर की पावर सेवन इक्वेशन नंबर टू ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हमें कौन सी टर्म गिवन है इलेवेंथ टर्म तो क्या हो जाएगा ए इलेवन इज इक्वल टू ए आर की पावर इलेवन माइनस वन तो यहां पे ए इलेवन हमें एस गिवन है एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर की पावर टेन इक्वेशन नंबर थ्री अब क्या करें भाई इनका कैसे हम यूज कर सकते हैं हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं ठीक है कैसे करेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएंगी राइट right वाली टर्म राइट right से सेकंड क्या है हमारे पास इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू ए आर की पावर सेवन फर्स्ट क्या है अपॉन में पी इज इक्वल टू ए आर की पावर फोर क्लियर तो यहां पे ए से ए कैंसिल हो गया ये आर की पावर फोर है ये आर की पावर सेवन है कैंसिल होगा तो यहां पर क्या बचाएगा आर की पावर थ्री तो मीन्स आर की पावर थ्री की वैल्यू क्या आ गई हमारी क्यू बाय पी ये इक्वेशन मान ली हमने क्या आ गई फोर्थ क्या इक्वेशन आ गई ये फोर सिमिलरली क्या करेंगे डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय टू थर्ड इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर लेते हैं सेकंड से थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी एस इज इक्वल टू ए आर की पावर टेन अपॉन में ये क्या है क्यू अपॉन में ए आर की पावर सेवन तो यहां पे ए से ए कैंसिल आर की पावर सेवन से ये कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया आर की पावर थ्री तो यहां पे R की पावर थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया S अपोन में क्यों ये मान लिया इक्वेशन नंबर क्या है फिफ्थ क्लियर अब देखो इक्वेशन फोर और फिफ्थ में दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है आर क्यूब ये दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल तो यहां पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर दो यहां पे क्यू बाय पी इज इक्वल टू एस बाय क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्यू की क्यू से मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया क्यो स्क्वेयर ठीक है इज इक्वल टू पी की एस से मल्टीप्लाई की तो पी एस यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी क्यू स्क्र इज इक्वल टू पी एस के तो ये आ गया हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू इन टू क्यू क्या हो गया क्यों स्क्वेयर और पी इंटू एस क्या हो गया पी एस बस हैंड्स प्रूव बिल्कुल सिंपल था क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है इजिली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर की स्टेटमेंट रीड करते हैं क्या है द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज ऑफ इट्स सेकेंड टर्म क्या कहा है उसने किसी जीपी की फोर्थ टर्म जो है वो सेकेंड टर्म के स्कोर के इक्वल है एंड द फर्स्ट टर्म इज माइनस थ्री और उस जीपी की फर्स्ट टर्म माइनस थ्री है डेटरमाइन इट्स सेवन टर्म तो उस जीपी की सेवन टर्म फाइंड आउट करनी है कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या है फर्स्ट टर्म गिवन है माइनस थ्री क्लियर अब यहां पे बात कर रहा है फोर्थ टर्म की तो फोर्थ टर्म और सेकंड टर्म निकाल लेते हैं हम कैसे निकलेंगी जर्नल टर्म ऑफ जीपी क्या होती है हमारी फॉर्मूला जरूर लिखेंगे साइड में ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन तो यहां पर क्या आ जाएगा फोर्थ टर्म ऑफ जीपी तो क्या हो जाएगी ए फोर इज इक्वल टू ए आर की पावर फोर माइनस वन मीन्स क्या आ गया ए आर की पावर थ्री क्लियर नेक्स्ट कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं सेकेंड टर्म की तो सेकेंड टर्म सॉरी सेकेंड टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू ए आर की पावर टू माइनस वन मींस क्या आ गया ए आर यह हो गई सेकेंड टर्म ये हो गई फोर्थ टर्म अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है ध्यान से देखो फोर्थ टर्म ऑफ जीपी फोर्थ टर्म कौन सी है ए आर की पावर क्यूब वो किसके इक्वल है स्क्वेयर ऑफ इट सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म के स्क्वेयर के इक्वल सेकेंड टर्म ये है तो यहां पे क्या आ जाएगा ए आर का स्क्वेयर हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन अब यहां पे ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमें गिवन है तो चलिए भाई देखते हैं ए की वैल्यू क्या है माइनस थ्री आर की पावर थ्री इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस थ्री आर की पावर स्क्वायर यहाँ पे देखते हैं माइनस थ्री आर की पावर थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन आर स्क्वायर आर स्क्वायर से यह कैंसल आउट हो जाएगा यहां पर आर बचेगा तो माइनस का थ्री आर इक्वल टू नाइन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नाइन बाई माइनस थ्री कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ गया माइनस का थ्री तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का थ्री कॉमन रेसो पता चल गया अब कॉमन रेसो पता है फर्स्ट टर्म पता है अब कोई भी टर्म फाइंड आउट कर लो हमें निकालनी है सेवन टर्म तो यहां पर क्या आ जाएगी सेवन टर्म ऑफ जीपी क्या आ जाएगी ए सेवन इज इक्वल टू ए आर की पावर सेवन माइनस वन तो क्या आ गया ए सेवन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी माइनस थ्री आर की वैल्यू भी क्या है माइनस थ्री की पावर सेवन माइनस वन क्या हो गया सिक्स यहां पे थ्री की पावर वन है ये भी माइनस थ्री की पावर वन है ये भी माइनस थ्री की पावर सिक्स है, है पावर क्या हो जाएगी एड तो यहां पे क्या आ गया ए सेवन इक्वल टू या फिर ऐसे कर लो माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री की पावर सिक्स को हम क्या करेंगे सेवन ट्वेंटी नाइन हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है तो माइनस का प्लस और थ्री की पावर सिक्स मतलब सेवन ट्वेंटी मतलब मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई में थ्री मल्टीप्लाई थ्री इनकी मल्टीप्लीकेशन सेवन ट्वेंटी नाइन सेवन ट्वेंटी नाइन की और माइनस थ्री की मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा माइनस का टू वन एट सेवन तो ये आ गई हमारी सेवन टर्म ऑफ ए जी कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे इस क्वेश्चन में भी थर्ड क्वेश्चन में भी आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए बस यही एक सपोर्ट चाहिए आपसे बेझिझक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई चार्ज नहीं है अप टू क्लास ट्वेल्थ भी और ट्वेल्थ के बाद भी मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करता रहूँगा थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल थैंक्स